काम तो हो गया, खाना भी बन गया सारा। अभी काम करती हूँ, ससुर जी को फोन करती हूँ। सारा दिन बेचारे खैनी बेचते रहते हैं दुकान पे, कोई पूछने वाला नहीं है। चलो फोन करती हूँ आपको। हेलो। हेलो। हाँ ससुर जी, कहाँ हैं आप? बहू मैं तो अभी दुकान पे ही हूँ। आके खाना तो खा लो आप। हाँ हाँ आता हूँ, मैं आता हूँ, खाना खाता हूँ। कब तक आएंगे? बस थोड़ी देर में, आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है आ जाइए, खाना बन गया सारा। चलो बेचा कोई नहीं है, मैं ही पूछ लेती हूँ उनसे, कोई पूछता नहीं है। सारा दिन बेचारे खैनी बेच बेच के परेशान हो जाते हैं। वैसे भी जब से मेरा बेटा गया है तब से मेरी बहू कितनी अकेली हो गई है। सोचा था कि अपनी बहू घर में रहेगी, मेरा बेटा कुछ टाइम तक उसके साथ रहेगा तो नाती पोतों का जल्दी मुंह देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं। अब तो ऐसा लगता है पता नहीं जब मैं शमशान घाट में आऊंगा तब जाकर मुझे नाती पोतों की शक्ल देखने को मिलेगी। क्या करूँ, बेटे से कितनी बात करूं, कितनी बार बोलूं कि हाँ आ जा, नहीं आने का नाम नहीं है सिर्फ काम। अरे मैं भी तो यहीं रह के काम करता हूँ ना। चल कोई नहीं, अभी चलता मैं उसे खाना मांगता, खाना भूख लग गई है। बहू, अरे बहू। हाँ बाबू। क्या बनाया है? दाल चावल चोखा। दाल चावल? चल ठीक है, तो ऐसा कर जब तू खाना ले जाके। ठीक है। अरे सुन बहू इधर आ, मैं कह रहा था कि पानी ला दे, अभी थोड़ी प्यास बुझा लूं, बहुत जोर से प्यास लग रही है। और खाना? खाना थोड़ी देर बाद खा लूंगा। ठीक है जा, तब तक मैं थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा, अब तो सीधा शाम को ही जाऊंगा दुकान पे, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मेरे ससुर जी कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते हैं मेरा, मेरे लिए काम भी करते हैं बेचारे। सारे दिन कोके में बैठे रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं इतना खूब सेवा करूँगी, खूब ख्याल रखूँगी उनका, जो बोलेंगे वो करूँगी। फिर पानी दे देती हूँ पहले। बाबू जी पानी। अरे ले आई तो। ठीक है ये ले। अरे पानी गिर गया सारा। क्या करें बाबूजी, गिर गया तो साफ कर दे इसे, साफ कर दे। अरे पल्लू से ही साफ कर दे। अरे तू खड़ी क्यों है, यहाँ बैठ ना। नहीं बाबू। बैठना है, बैठ ना मेरे पास बैठ। आ एक बात बता। हाँ बाबू। तुझे रमेश की याद नहीं आती? आती तो है पर क्या करूं, बातें ही नहीं है। देख रमेश कितने टाइम से बाहर रहता है, तू भी तो उसको याद तो करती है ना? क्यों क्या कह रहा? याद करती हूँ बहुत। बहुत याद करती है लेकिन तेरी सुनता नहीं है।
अरे मैंने रमेश को कहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे 2-3 साल के अंदर नाते होते चाहिए। शादी को 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई नाते पोते का कुछ अता पता नहीं है। बाबू जी आपको तो पता है, वो रहते कब है घर में? अरे मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि यहाँ रह जा कुछ टाइम तक, 3-4-2 महीने रुकेगा बन के, तभी तो कुछ खुशखबरी मिलेगी। बाबूजी मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं तो चाहती हूँ मेरे पास रहे, पर आते ही नहीं है, तो मेरी गलती नहीं है ना। ये तो तू सही कह रही है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है जिससे मुझे जल्दी जल्दी नाती पोतों का मुंह देखने को मिलेगा। वो कैसे बाबूजी? देख तू बुरा मत मानियो, क्या जो कहूँ बस वो कर लियो। क्या करना है? देख मेरा बेटा यहाँ रहता नहीं है, तो वो रहती है यहाँ पे अकेले, और मैं भी यहाँ अकेला ही रहता हूँ। तू कहे तो हम दोनों एक हो जाएं। कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैं बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, अगर तू मेरी हो जाएगी ना तो देख तेरे को भी बच्चे जल्दी मिल जाएंगे, और मैं भी नाती पोतों को मुँह दे लूँगा। लेकिन बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ। अरे मेरी बहू है तभी तो कह रहा हूँ, अब कोई बाहर की होती तो मैं कहने जाता हूँ, तू ही बता, नहीं कहता ना? पर समाज क्या बोलेंगे? अरे समाज को छोड़, समाज हमारे घर में खाने पीने को नहीं देता। एक बात हो, इस समाज वाज इन सब की परवाह करना भूल जा, समझ गई? मेरी परवाह करेगी तो तुझे कोई ना कोई फल मिल जाएगा। मुझे डर लग रहा है बाबूजी, मैं ये ऐसी बोल नहीं सकती। अरे डर की क्या बात है, पूरे घर में तू और नहीं है, कोई और तो है नहीं, तो डरने की क्या बात है ये बता। आ जाओ देख, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुझे भी जल्दी बच्चों का मुंह देखने को मिलेगा, मुझे भी नाती पोतों का। ठीक है भैया, आ जाओ। मुझे खाना होगा तो शाम को आऊंगा, ठीक है? अब जब जब भूख लगेगी तेरे पास ही आऊंगा, ठीक है? खाना तैयार रखे शाम का, समझ गई? ठीक है, चल अभी चल रहा। क्या मैंने सही क्या गलत किया पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर जो भी था अच्छा था, क्योंकि वो तो रहते नहीं है सारे दिन, मतलब वो काम 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 ही रहता है, अब वो रहते नहीं है तो कोई ना कोई तो चाहिए ना मुझे। क्या गलत क्या सही, सही बोल रहे थे, समाज में खाने को थोड़ी ना दे रहा है।